भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच आप और भाजपा विधायक का सोमवार रात से दिल्ली विधानसभा परिसर में रात भर से प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि आप विधायकों ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली विधानसभा के भीतर धरना दिया। वहीं आप विधायक दुर्गेश पाठक ने विधानसभा के भीतर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि एलजी 2016 में खादी और ग्राम उद्योग विभाग के चेयरमैन थे। उस वक्त उन्होंने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। वहीं भाजपा विधायकों ने भ्रष्टाचार को लेकर मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बरखास्त करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।